मॉनसून सत्र के आखिरी दिन सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किए। सीएम योगी ने फायर वाले अंदाज में एक एक कर विपक्षी दलों को निशाने पर लिया अलग अलग मुद्दों पर। मुख्यमंत्री ने चार ठगों की कहानी के जरिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा तो सदन से अपराधियों को सख्त संदेश दिया कि गड़बड़ी की तो भुगतना पड़ेगा। सीएम करीब लगभग डेढ़ घंटे तक सदन में बोलते रहे। सत्ता पक्ष के विधायक भाषण के दौरान जहां ताली बजाते रहे वहीं विपक्षी विधायक सन्नाटे में नजर आए। आप लोगों की बातों पर पंचतंत्र की कथा याद आती है, आपने सुनी होगी। चार ठग थे, एक किसान एक बकरी लेकर के जा रहा था तो चारों ठगों ने कहा कि इस किसान से बकरी कैसे ली जाए। तो हो सकता है कि उनको थोड़ा लोक लाज रही हो तो उन्होंने कहा चलो छीन तो नहीं सब पाएंगे तो एक काम करते हैं, चारों अलग अलग जगह खड़े हो जाते हैं और अलग अलग जगह खड़े होकर के हम लोग ये बोले कि भाई ये कुत्ते का बच्चा कहां लेके जा रहा है। तो एक वो किसान बेचारा अपनी बकरी के बच्चे को कंधे में रख करके लेके जा रहा है तो पहले ठग के पास से गुजरता तो बोलता अरे काका ये सब क्या ले जा रहा है, ये कुत्ते के बच्चे को अपने कंधे में लेके क्या जा रहा है। किसान बोलता अरे धूर्त कहीं के, ये कुत्ते का बच्चा नहीं बकरी का बच्चा है। हंसते हुए चुप हो जाता है। आगे अगले चौराहे पे जाता दूसरा ठग, अरे काका ये कुत्ते का बच्चा आप कहां लेके जा रहे हैं। बोलता है उसको भी डांटता कारे पागल हो गए क्या, अरे कुत्ते का बच्चा नहीं बकरी का बच्चा है। अगले आगे बढ़ता है फिर चौतीसरा ठग मिल जाता है, वहां भी फिर यही बात उसको बोलता है। चौथे ठग ने भी कहा तो किसान को विश्वास हो गया, उसको लगा कि भोला भाला किसान अन्नदाता किसान मेहनती किसान, उसको विश्वास हो गया यार एक व्यक्ति झूठ बोलेगा लगता है कि मेरी दृष्टि दोष ही मुझे हो गया है, लगता है ये कुत्ते का बच्चा ही। उसने फेंक दिया उसको, चारों ठगों का काम पूरा हो गया और चुनाव में खटाखट 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 1 लाख का बॉन्ड 1 लाख का बॉन्ड कहां गया, कहां गया 1 लाख का बॉन्ड 1 लाख का बॉन्ड। और मैं इसीलिए कह रहा हूं शिवपाल जी भाग गए यहां से, लेकिन मैं कह सकता हूं खटाखट नहीं 27 में सपा चट के लिए तैयारी रही, 27 में सपा चट 1 लाख बॉन्ड के लिए हम लोग भी मांगेंगे हिसाब, 1 लाख का बॉन्ड कहां गया। और मैं तो आप सबसे कहूंगा एक बार जाइए जनता जनार्दन के सामने, पूछिए उनको कि भाई 1 लाख का हिसाब मांगे इन लोगों से, पैसा गया कहां, कौन खा गया, खाने वाले लोग कौन है 1 लाख का। आपको बुलडोजर से डर लगता है लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेल लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व तो बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं, मैं यहां पर इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पर आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। यह लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, यह प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त तो करनी होती है तो मुझसे इससे ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं, इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरह आप ध्यान आकर आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा और अंत में मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, एक काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ने वाली है, उसका समय पूरा हो गया है, पूरा हो गया है, अब नहीं चलने वाला। जो गोमती नगर की घटना है उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है, उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज, ये सद्भावना वाले लोग हैं,
यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करना। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया, एक एक बेटी को, एक एक बहन को हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेने का एक परिणाम है, पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, इन सबको वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। अयोध्या का यह मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है, और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। यह घटनाएं क्या दिखाती हैं? कल ही हरदोई में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई, और हरदोई में घटित दुर्घटना में भी बीरे उर्फ वीरेंद्र यादव इस समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। आप देखो किस प्रकार के व्यक्ति को आप जिलाध्यक्ष बना रहे हैं। इस पे आईपीसी और सीआरपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं जो इस पे लगी हो। 28 ऐसे मामले हैं, और ऐसे नहीं कि मामले 17 से 24 के बीच के हों। इस पे पहला अपराध दर्ज हुआ था 89 में, दूसरा है 91 में, तीसरा 91 में, चौथा 91 में, पांचवा 92 में, छठा 90 में, फिर 93 में, फिर 92, फिर 91, इससे पहले 98, इससे पहले 90, इसके बाद 96, 2006, 2008, 2013, 2013 में तो आप ही की गवर्नमेंट थी, 2007, 2009, 2008, 2015, 2015 में भी आपकी सरकार थी, 2016 में 302 में भी यह व्यक्ति लिप्त रहा है, 302 की भी घटना में शामिल रहा है, 388 की घटना में भी यह व्यक्ति लिप्त रहा है। इसी प्रकार से 2016 में 302 के मामले में व्यक्ति लिप्त रहा है, 2002 में यूपी गुंडा अधिनियम के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, ऐसे ही इसके खिलाफ फिर 2002 में भी इसके खिलाफ गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हुई है, 2017 में यूपी गुंडा एक्ट के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, और फिर 2017 में भी इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। 28 इस प्रकार के मामलों में व्यक्ति लिप्त है, समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। कल एक अधिवक्ता की हत्या सरेआम इसके द्वारा करवाई गई है, और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? मुझे याद है जब 17 में हम लोग आए थे तब उत्तर प्रदेश देश की छठी सातवीं अर्थव्यवस्था थी, आबादी हमारी सबसे ज्यादा, लेकिन अर्थव्यवस्था के रूप में हम देश के अंदर छठे सातवें स्थान पर थे। उत्तर प्रदेश के बारे में कैसा परसेप्शन था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप में से सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण उत्तर प्रदेश से बाहर जाते थे और बाहर जाकर के इन बातों को अनुभव करते थे कि कैसी स्थिति है। पहचान का संकट होता था उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने नहीं, किसी भी व्यक्ति के सामने उत्तर प्रदेश का है, देश उसे सम्मान की निगाह से देखता है।
तो सीएम योगी जब आज सदन में गरज रहे थे, पूरा विपक्ष सुन रहा था। छेड़छाड़ हुड़दंग मामले में गिरफ्तारी बढ़ गई है। अब तक 16 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों से 6 बाइक बरामद की गई है। वीडियो के आधार पर इन आरोपियों की पहचान कर इनकी गिरफ्तारी की गई। ताज होटल के पास का ये मामला है, जब हुड़दंगियों की वजह से एक लड़की पानी में गिर गई थी और बदतमीजी के इस मामले में धाराएं भी बढ़ाई गई हैं। अब तक 16 गिरफ्तारियां हो चुकी है। तो मौज मस्ती बदतमीजी का जो मामला, जो बेअदबी का जो केस देखने को मिला, इस मामले में 16 गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में भी इस मसले को उठाया और कहा कि हम गिरफ्तारी कर रहे हैं। नाम आपको बता दें, पवन यादव, सुनील कुमार बारी, मोहम्मद अरबाज, विराज साहू, अर्जुन अग्रहरी, रतन गुप्ता, अमन गुप्ता, अनिल कुमार, प्रियांशु शर्मा, आशीष सिंह, विकास भंडारी, मनोज कुमार सरोज, अभिषेक तिवारी, कृष्णकांत गुप्ता, जयकिशन, अभिषेक साहू, ये वो नाम है जो अब सलाखों के पीछे है। ये चेहरे, आरोपियों से 6 बाइक भी बरामद की गई है। नोएडा और गाजियाबाद में बुधवार की शाम को थोड़ी देर की बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। लोग घर से बाहर निकले तो सड़क पर ही अटक गए, घंटों सड़क पर मशक्कत करते रहे। घर लौटने में उन्हें कई घंटे लग गए। हल्की सी बारिश ने नोएडा गाजियाबाद में नगर निगम और ट्रैफिक व्यवस्था को पूरी तरह से धड़ाम कर दिया। देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें शहरों की शान कहे जाने वाले नोएडा की हैं, जहां देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में लोग रोजगार व्यापार के लिए आते हैं। ये तस्वीरें बुधवार शाम से देर रात तक की हैं। अब आप सोच रहे होंगे, जिस नोएडा को उत्तर भारत का सबसे विकसित शहर कहा जाता है, वहां ये कैसी स्थिति देखने को मिल रही है? अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है तो बिल्कुल सही सवाल है, और ये तस्वीरें भी बिल्कुल सही हैं। दरअसल बुधवार की शाम करीब 7 बजे नोएडा में बारिश शुरू हुई। करीब आधे घंटे की बारिश में ही ऐसी स्थिति बन गई कि जैसे नोएडा देश की राजधानी के बगल नहीं बल्कि किसी दूर दराज के इलाके में बसा हुआ हो। जगह जगह पर जाम लग गया। नोएडा सेक्टर 98, सेक्टर 37, सेक्टर 62, सेक्टर 52, सेक्टर 16, महामाया फ्लाईओवर, परी चौक, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे समेत सभी जगहों पर भयंकर जाम देखने को मिला। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरीके से गाड़ियां टस से मस नहीं हो पा रही हैं। आप देखिए कि जो लोग अपने परिवार के लोगों को लेने के लिए, और सबसे बड़े मैं चाहूंगा कैमरामैन जगदीश दिख रही है, और लेकिन वहां पर रेड लाइट पूरी तरह से चरमराई हुई है। कैमरामैन जगदीश जरा जूम करके रेड लाइट को दिखाएं कि किस तरीके से रेड लाइट, जिसको ट्रैफिक सिग्नल कहा जाता है, वो पूरी तरह से यहाँ पर ध्वस्त हो गया है, पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, पूरी तरह से चरमरा गया है, और जिसके चलते नोएडा वासियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नोएडा में सिर्फ जाम ही नहीं लगा, कई इलाके में सड़कों पर जलभराव भी हुआ। जिस दौरान ट्रैफिक जाम लग रहा था, उस दौरान चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस भी नदारद थी। अब सवाल उठता है कि क्या ट्रैफिक पुलिस खुद को भीगने से बचाने के लिए ट्रैफिक व्यवस्था को भगवान भरोसे छोड़कर कहीं छिपने चली गई थी, या फिर चौराहों और रेड लाइट्स पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती ही नहीं थी, या फिर सभी चौराहों पर जिन पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी वो सभी एक साथ छुट्टी पर चले गए थे। ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था के बाद अब बात कर लेते हैं नोएडा नगर निगम और अथॉरिटी की। जरा सी बारिश में जो हालात देखने को मिले वो किसी भी शहर के लिए चिंता का विषय है। जलभराव की वजह से गाड़ियां सड़कों पर रेंग रेंग कर बढ़ती रही। 8 से 10 घंटे ड्यूटी कर घर लौट रहे लोग कई कई घंटे सड़कों पर इंतजार करते रहे। कई परिवार अपने रोते चिल्लाते बच्चों को लिए गाड़ियों में सड़क पर ट्रैफिक जाम खुलने का इंतजार करते रहे, लेकिन जाम ऐसा कि इतनी आसानी से खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लगता है ट्रैफिक पुलिस के जो भी लोग हैं उनको अपनी मैनेजमेंट को कंट्रोल में लेनी चाहिए, एंड दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। अदरवाइज सभी लोगों के टाइम खराब हो रहे हैं और सभी लोग परेशान हैं।
बताया जा रहा है कि 2 से 2.5 घंटे से लोग लगातार यहाँ पर फंसे हुए हैं, रास्ते ब्लॉक है, आप देख रहे हैं कि आगे भी जो है गाड़ियां निकल नहीं पा रही हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, 2-2.5 घंटे से मैं भी खड़ा हूँ और जबकि मेरा घर पास में ही है, फिर भी मैं कोई ऑप्शन नहीं है बट टू स्टक एट दिस प्लेस। आप ऑफिस से घर जा रहे हैं? हाँ ऑफिस से घर जा रहे हैं। देखिए सर ऑफिस से घर जा रहे हैं, जिस बात का जिक्र मैं लगातार कर रहा था कि 2 से 2.5 घंटे वो बता रहे हैं कि लगातार इस जाम में उनको हो चुके हैं और वो अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग 5:30 बजे से लेकर रात 12 बजे तक इसी भयंकर स्थिति का सामना करते रहे। अथॉरिटी और नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी इस पूरी स्थिति से अनजान बने रहे। अब सवाल ये उठता है कि ये बारिश कोई पहली बार तो नहीं हुई, हर साल होती है और अक्सर ऐसे हालात देखने को मिलते हैं, तो क्या इन हालातों में अथॉरिटी और नगर निगम कोई सबक नहीं लेता और इतनी आबादी को मुसीबत झेलने के लिए छोड़ देता है? सिर्फ बारिश के दौरान ही नहीं, बारिश के बावजूद भी ट्रैफिक व्यवस्था का हाल ऐसा ही देखने को मिलता है। नोएडा को दिल्ली से जोड़ने वाला बॉर्डर हो या फिर गाजियाबाद दिल्ली का बॉर्डर, हर जगह ऐसा ही जाम देखने को मिलता है। लोग अपनी ड्यूटी तक जाने और ड्यूटी से घर लौटने में कई घंटे का वक्त सड़क पर बर्बाद कर देते हैं। नोएडा के साथ साथ राष्ट्रीय राजधानी से सटे हुए यूपी के जिले गाजियाबाद में भी कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिला। राजनगर एक्सटेंशन, इंदिरापुरम, छपरौला, कौशाम्बी समेत तमाम जगहों पर लोग ट्रैफिक में फंसे रहे। यहां भी बिल्कुल वैसा ही नजारा देखने को मिला जैसा नोएडा में। न नगर निगम, न ट्रैफिक पुलिस, न अथॉरिटी के लोग, कोई भी जिम्मेदार मौके पर नजर नहीं आया। सड़कों पर पानी भरा रहा, जाम लगा रहा, लोग किसी तरह रेंग रेंग कर अपने घर तक पहुंच पाए, लेकिन जो अव्यवस्था देखने को मिली उसकी पूरे देश में जमकर किरकिरी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। लखनऊ में आज आरएलडी अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। सीएम से मुलाकात के बाद जयंत चौधरी ने लिखा, उत्तर प्रदेश की बात सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ। कुछ किसान के मुद्दे हैं मेरे जो माइंड में, जहन में जो चीजें मेरे पास आई हैं, कुछ हमारे क्षेत्र के से जुड़े डिमांड्स हैं और राजनीतिक चर्चा करेंगे। देखिए 10 सीट हैं, जब अलायंस होता है तो मिलके लड़ा जाता है, उसके बाद सिंबल पे ध्यान नहीं दिया जाता, तो जो अलायंस का सिंबल होगा वो हमारा सिंबल होगा।